दोस्तों आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए आज केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। यूं कह सकते हैं कि मोदी सरकार की तरफ से रक्षाबंधन पर देशवासियों के हित में ये बड़ा ऐलान किया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर अब आपको 200 रुपए सस्ता मिलेगा कल से ही, और कुछ लोगों को 400 रुपए तक की रियायत भी मिलेगी। आइए देखते हैं कि किन किन लोगों को 200 रुपए सस्ता मिलेगा और किन लोगों को 400 रुपए तक सस्ता मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले तो आपको बताऊंगा, अभी जो गैस सिलेंडर के रेट चल रहे हैं लगभग देश में ज्यादातर जगहों पर 1100-1000 से ऊपर ही है ना। तो ये जो 200 रुपए की गिरावट के बाद अब कितना सस्ता होगा गैस सिलेंडर, ये देखिए कुछ शहरों की लिस्ट। आप प्रमुख शहरों में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती के बाद नए दाम क्या होंगे। राजधानी दिल्ली में पहले 1103 था, अब 903 में मिलेगा। इसी तरह से मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में भी जहां 1102, 1129, 1118 था, अब 902, 929, 918 में ही मिलेगा। मध्य प्रदेश, भोपाल, राजस्थान, जयपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर वगैरह सब जगहों पर 200 रुपए सीधे दाम में कटौती कर दी गई है सभी लोगों के लिए ये कटौती दो। लेकिन कुछ लोगों को 400 रुपए तक का सस्ता का फायदा भी मिलेगा, वो किन लोगों को मिलेगा तो जरा समझिए आप। अच्छा, अभी इससे पहले जो सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया था ना, सीधा मार्च महीने में किया था, और तब भी कटौती नहीं की थी, तब बढ़ोतरी की थी। मतलब 14 किलो 200 ग्राम वाला जो घरेलू गैस सिलेंडर आता, मार्च महीने में इसके दाम 50 रुपए बढ़ाए गए थे, उसके बाद कोई बदलाव नहीं किया गया था। लेकिन अब सीधा 200 रुपए तक हर व्यक्ति के लिए रसोई गैस सिलेंडर एलपीजी का जो वो सस्ता मिलेगा। और जो उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए ग्राहक है ना, उज्ज्वला सिलेंडर पर अब कुल 400 रुपए की रियायत मिलेगी, क्योंकि 200 रुपए तो सीधे रेट में कटौती कर दी गई है और 200 रुपए का फायदा उन्हें सब्सिडी के तौर पर मिलेगा। तो ये आज केंद्र सरकार की तरफ से देश भर के 33 करोड़ से भी ज्यादा एलपीजी उपभोक्ताओं के हित में फैसला लिया गया। देश भर के सभी एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए दाम में 200 रुपए की कटौती हो गई, और उज्ज्वला स्कीम के तहत जो पहले से मिल रही 200 रुपए की सब्सिडी है ना, वो अभी भी मिलती रहेगी। यानी कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को कुल 400 रुपए की रियायत मिलेगी। जो 1100 के बाद 900 रुपए में आम आदमी को गैस सिलेंडर मिलेगा, तो उनको 900 की बजाय भी 700 रुपए में ही पड़ेगा, है ना। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, आपके राज्य में अभी एलपीजी सिलेंडर के क्या रेट चल रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।